हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अलार्म साउंड के बारे में, जैसे कि अलार्म रिंगटोन हम कैसे सेट कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये नोकिया का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। तो क्लिक कर लेते हैं सेटिंग पर। फ्रेंड्स, सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है सेटिंग नज़र आ जाएंगी। आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अलार्म रिंगटोन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ये आइकन शो करेगा। यहाँ से आप कोई सी भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं अलार्म रिंगटोन। ये देखिए, तो मैं ये वाली सेट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करते ही आपको इस तरीके का ये अलार्म नोटिफिकेशन साउंड जो है सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।